जी, हमारे साथ रामकुमार भी मौजूद हैं और आर्मी बेस हॉस्पिटल से वो हमारे साथ है। राम, आपके पास क्या अपडेट फिलहाल? समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त आर्मी बेस हॉस्पिटल है जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया CDS का और जो उनकी पत्नी है उनका, जिसको लेकर 9:30 बजे करीब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पर जाया जाएगा। 3 कामराज मार्ग और जो सरदार पटेल मार्ग होते हुए उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से ले जाएगा। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी जो पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त आर्मी बेस हॉस्पिटल के सामने है। हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर जो आर्मी LCD एक लगाई गई है, जिसमें यानी कि जो इनसे जुड़ी विपिन रावत से जुड़ी तमाम चीज़ें जो फोटो इस LCD के अंदर लगाए गए हैं। इसी तरीके से पूरे रास्ते में कई जगह इस तरीके की LCD लगाई गई है और वहीं आर्मी बेस हॉस्पिटल यानी जो सेना के जवान हैं तैनात किए गए हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं और जो करीब 9:30 बजे निकल 11:30 बजे करीब वहाँ आवास पर इनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा। उसके बाद इनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों के जो आम जनता है उनके लिए 12:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, वो दर्शन करेंगे, जिसके बाद यानी आर्मी ऑफिसर्स और जो VIP दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद जो इनको ब्रार स्क्वायर के लिए लाया जाएगा। ठीक है, सुमित हमारे साथ बने हुए हैं कोयम्बटूर से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, हर कोई उनको लेकर अपडेट जानना चाहता है, देश भी जानना चाहता है उनकी सेहत का, हम सभी चाह रहे हैं कि वो सुरक्षित हो जाएं, बहुत सारी जानकारियां भी मिल सकती हैं, इसके अलावा उनका सकुशल बनना देश के लिए भी एक बड़ी बात होगी, हर कोई प्रार्थना कर रहा है। तो कोयम्बटूर में उसको लेकर अपडेट क्या है, उनकी सेहत को लेकर कोई, कहा जा रहा था अगले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिल्कुल, आपने शुभांकर बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में ना सिर्फ मातम है, सब लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बल्कि एक तरफ उम्मीद की किरण भी है कि शायद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो शायद बच जाएं। लेकिन मैं अगर आपको उनकी मेडिकल या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊँ, क्योंकि मेरे कई डॉक्टर से उनसे बात थी, उन्होंने बताया कि उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। हालाँकि उनको कल देर शाम यहाँ से वेलिंगटन से ले गया, जो बैंगलोर का जो कमांड हॉस्पिटल है इंडियन एयरफोर्स का, वहाँ ले जाया गया था। उनके पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है, हालाँकि वो अनकॉन्शियस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो करीबन 4 से 5 डॉक्टर्स की टीम जो है उनको लगातार मॉनिटर कर रही है, उनके पैरामीटर्स के, उनके CD स्कैन किया गया, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। शुभांकर, सबसे बड़ी दिक्कत अगर आप इस पूरे इंसिडेंट्स में देखें वो था बर्न्स का, यानी बॉडी बहुत ज़्यादा जल गई थी, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची सबके शरीरों को, खासतौर पर हेलीकॉप्टर में जो आग लगी उसकी वजह से। यही वजह है कि जो सर्वाइवल था 13 लोगों का वो नहीं हो पाया और जो 14वें लोग यानी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे वो भी अपनी जिंदगी से लगातार जंग लड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा जल गई है। तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। मेडिकल बुलेटिन में अपडेट दिया गया कि खबरें आ रही थी शायद 40% बॉडी बर्न हो गई और ये एक सीरियस क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इसको लेकर क्या कोई अपडेट आपके पास है कि उनकी बॉडी में कितना ज्यादा डैमेज हुआ था, या कोई अगर डॉक्टर्स की तरफ से बात सामने आई हो तो? शुभांकर, अभी तक किसी तरीके का मेडिकल बुलेटिन रिलीज नहीं किया गया, बल्कि बस यही बता दिया गया है कि उनकी जो हालत है उस पर लगातार डॉक्टर्स की नजर है, क्रिटिकल है हालत, लगातार वो बीच में वो कॉन्शियस थे फिर बाद में वो अनकॉन्शियस हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको शिफ्ट करने के पीछे का मकसद भी यही था कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। जो बैंगलोर का एयरफोर्स का जो कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर कई बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा कई डॉक्टर्स दिल्ली से भी लगातार संपर्क में हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। 5 डॉक्टर्स की टीम मुझे बताया गया लगातार उनके पैरामीटर्स को लगातार ऑब्जर्व कर रही है, उनकी जांच परख कर रही है, तो ये सारी चीजें हैं जो लगातार ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनकी देखभाल के लिए, उनकी सलामती के लिए किया जा रहा है। शुभांकर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए इस वक्त पूरा देश दुआएं कर रहा है।